हेलो फ्रेंड्स, हम सभी आज एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। जो एलसीएम हमें हम लोग निकाल कर देखेंगे कि एलसीएम हम सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे दिया है 288, 288 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 8। ठीक है, अंतिम जो अंक है वह 8 है। 8 है इसका मतलब यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 288 में हम 2 से भाग देते हैं। यहाँ भाग देकर हम देख लेते हैं, 288 में 2 से यदि हम भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट जाएगा, यहाँ पे 8 उतरेगा। 2 चौके 8 और यहाँ पे 8, 2 चौके 8। ठीक है, यानी 144 बार में कटा था, यहाँ 144 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ अंतिम संख्या जो 4 है, फिर यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी 144 हो गया। तो देखिए यहाँ संख्या कितना है, यहाँ 14 है। 2 से यदि हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 7 14। ठीक है, और 2 2 4, यह 72 बार में कट जाएगा। फिर देखिए अंत में 2 दिया है, तो 2 दिया है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 72 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 36 होगा। 36 2 72, और फिर 36 में 2 से हम भाग देंगे तो 18 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 आ गया। 18 हमारा 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 9 18, 9 बार में यह कट जाएगा। देखिए यह 9 आ गया। अब 9 2 के टेबल में तो नहीं आता है, यह 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 का 9। अब चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इन सब का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना होगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 81। 81 हमें देखना है कि किस संख्या से यह कटने वाला है। तो 2 से तो यह नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, और 3 के टेबल में 1 आता है, 3 7 21। ठीक है, 3 से हम इसे कटा कर देखेंगे, यानी 81 में हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, पहले भाग यहाँ हम देकर देख लेते हैं, 3 2 6, 8 में 6 घटाएंगे 2 और यहाँ पे 1, 3 7 21, यानी 27 बार में यह पूरा पूरा संख्या कट जाता है। तो यहाँ हम 27 लिख देंगे। ठीक है, और 27 जो संख्या है हमारे 3 के टेबल में आते हैं, यानी 3 9 27, और यह हो जाएगा 3 3 का 9। चलिए इसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 का 9 3 27 81। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 512। 512 हमारा किस संख्या से यह डिवाइड होने वाला था, अंतिम संख्या 2 है। तो चलिए हम 2 से इसे 6 करते हैं, तो 512 में यह हम 2 से भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, 2 2 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 होगा और यहाँ 1 उतर जाएगा, तो 2 5 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1 हो जाएगा और यहाँ 2 उतरेगा, 2 6 12, 256 बार में यह पूरा पूरा संख्या कट जाता है। ठीक है, अब देखिए अंतिम संख्या कितना है, 6 है, यानी यह 2 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो 256 में यदि हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, और 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 2 4, और हासिल इसमें एक आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, अब देखिए यह संख्या फिर 8 आ गया, 2 6 8, यानी 2 के यह टेबल में 3 आ रहा है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी 2 से भाग लगेगा, यहाँ 12 है तो 2 से भाग देंगे तो 2 6 12 और 2 चौके 8। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ अंतिम संख्या 4 है, तो फिर यह 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 और 2 2 4, फिर अंतिम संख्या 2 आ गया, तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 6 12 और 16, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 के हम यदि भाग देंगे 2 से, 2 चौके 8 और यह कटता चला जाएगा, 2 2 4। ठीक है, अब चलिए इसे हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, जिसे देखिए हम लिखते हैं, चलिए इन सब का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा संख्या 512। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 343। 343 जो है वह किस संख्या से हमें इसे
डिवाइड करना है। तो चलिए 343 में हम तीन से पहले देख लेते हैं, तीन एकम तीन, यहाँ पे चार उतरेगा, फिर तीन एकम तीन, चार में से तीन घटाएंगे एक होगा, यहाँ पे तीन, यानी तीन के टेबल में 13 संख्या नहीं आते, यानी एक शेष होगा यहाँ पे। यदि छः से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शेष आ जाएगा, ठीक है, यानी तीन से यह तीन से डिवाइड नहीं होगा। चलिए सात से हम चेक करते हैं, सात से यह तो यहाँ हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 343 में यदि हम सात से चेक करते हैं तो सात पचे 35, पाँच बार में ज़्यादा हो रहा है, सात चौक 28, 28 हो जाएगा। चलिए इसे हम घटा लेते हैं, छः हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 यानी 63 हो गया, सात नवा 63, यानी सात नौ बार में यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ सात यदि हम भाग दे रहे हैं इसमें तो 49 बार में यह संख्या पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, फिर 49 में यदि हम सात से भाग देंगे तो यह सात बार में कट जाएगा। चलिए इसे हमें अब गुणा करके देख लेना है, सात गुणे सात गुणे सात यानी 343, ठीक है। देखिए पाँच नंबर जैसे क्वेश्चन है, यहाँ 64 दिया है, हम इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, देखिए अंतिम संख्या चार दिया है, ठीक है, तो हम इसे दो से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यदि 64 में दो से हम डिवाइड करेंगे तो दो तिया छः और दो दोना चार हो जाएगा, ठीक है, यानी 32 बार में 64 पूरा कट जाएगा। फिर देखिए अंतिम संख्या दो है, यानी दो से यह डिवाइड होगा, तो 32 में यदि हम दो से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 16 जो है वह दो के टेबल में आता है, दो अठे 16, ठीक है, फिर दो से कटाएंगे, दो 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 चौके 8 और ये दो दोना चार, ठीक है। चलिए इसे हम अब गुणा करके देख लेना है, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यानी टोटल को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।